विदिशा जिले के ग्यारसपुर में आज मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ए.के. उपाध्याय ने ग्यारसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने NRC में जाकर मरीजों के स्वास्थ्य का हाल जाना। वहीं मरीजों से उनको मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में पूछताछ की और BMO को निर्देश दिए हैं कि NRC रूम में मेंटेनेंस का कार्य करवाएं। वहीं उन्होंने दवाई स्टोर में जाकर दवाइयों के स्टॉक की जानकारी ली। विदिशा पठारी से आशीष सहले की रिपोर्ट। यहाँ जो है एक तो बिल्डिंग की समस्या है, कुछ टीन डली हुई है, वो टीन टपकती है और जगह की भी कमी है। जैसे कि पोस्टमार्टम रूम का भी बताया गया, वो नया बन रहा है, वो नया दूसरा ठेकेदार आएगा वो बनाएगा। साथ में ये बिल्डिंग का भी, नई बिल्डिंग की सेंक्शन हो रही है, यहाँ का सिविल हॉस्पिटल हो गया है यहाँ का, तो इसलिए जो है अभी ज़्यादा नए काम तो नहीं होंगे, क्योंकि नई बिल्डिंग जब सेंक्शन हो गई तो नई बनेगी, पर बाकी जो छोटे मोटे काम हैं वो मरम्मत के, वो अभी होंगे 1-1.5 महीने के अंदर। सर स्टाफ की भी कमी देखिए, महिला डॉक्टर काफ़ी समस्या, हाँ बहुत दिक्कत आती है स्टाफ के लिए भी। यहाँ स्टाफ ग्यारसपुर ही नहीं, सब पूरे ज़िले में डॉक्टर्स के, स्टाफ नर्स के और ANM के और अपने लैब टेक्नीशियन के पद कई रिक्त हैं, उनके बारे में भी लिखा गया है वरिष्ठ कार्यालय को, जैसे ही वहाँ से पोस्टिंग होगी बराबर करवाई जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।